कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर इंग्लिश का रुकजा नहीं परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपका यहाँ पर सेक्शन ये आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन गिवन वीडियो, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आता है तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिए, इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया पैसेज, मनी कैम इन टू एक्सटेंस टू आंसर द नीड ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर पाएंगे। अब चलिए, इसके आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके एक एक नंबर के रहेंगे, तो वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है द प्रिमिटिव मैन लिव्ड बाय, तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी हंटिंग, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है डोंट डोंट बर, आप यहाँ पर देख लीजिए बर ड्राइवन अबे बाय द प्रिमिटिव मैन, तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रांगर्स। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है बाटर सिस्टम बाज डोंट डोंट कॉन्वेंट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कॉन्वीनेंस्ड टू द पीपल ऑफ द एक्सटेंट एज, तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा समटाइम्स, सेट समटाइम्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर आपका चौथा आता है द बर्ड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पेकनुया ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो आपका यहाँ पर ठीक है चौथे का करेक्ट आंसर आपका रहेगा लेटिन, लेटिन आपका करेक्ट आंसर है चौथे का। पांचवा था द प्रेक्यूस मेटेलिट डू नोट सपर द डी सेट बेंटेक्स ऑफ, तो आपका यहाँ पर पांचवें का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा रिक्वायरिंग, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्वायरिंग लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्ट्रॉइंग, ठीक है, आपका पांचवें का बी करेक्ट आंसर रहेगा। आप छवां आता भट आंसर द नीड ऑफ मैनकाइंड, तो आपका छवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनी, ठीक है। और फिर आपका सातवां था भट बाद द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन देन, तो आपका सातवें का करेक्ट आंसर बाटर हो जाएगा, ठीक है, बाटर यानी आपका सातवें करेगा सीक्रेट आंसर। फिर आठवां था भट डू यू मीन बाय पास्ट टोर इन द पैसेज, तो आपका आठवें का करेक्ट आंसर रहेगा ग्रीन, ठीक है, ग्रास लैंड, तो आपका आठवें करेगा ए करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर नौवां आता है फाइंड द बर्ड इन द पैसेज सिमिलर मीनिंग अस अन, ठीक है, अन नाव, अन नाव का आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो आपका नौवें का करेक्ट आंसर स्ट्रांजर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रांजर। फिर आपका यहाँ पर दसवां आता है फाइंड द बर्ड इन द पैसेज सिमिलर मीनिंग अस कॉस्टली, कॉस्टली का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका प्रीक्यूस हो जाएगा, ठीक है, आपका रहेगा दसवीं का डी करेक्ट आंसर प्रीक्यूस। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन कंप्लीट हो जाता है, जो कि 10 नंबर का आपका दिया गया था पैसे, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन टू आता है, जो कि आपका यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसे केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये आपके यहाँ पर देख लीजिए देयर आर टू प्रॉब्लम विच क्यूज ग्रेट बरी टू अवर एजुकेशन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशनिस्ट द प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह से दिया गया था, पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स, आपको नोट्स बनाने हैं। और साथ ही आपको दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है, तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको वीडियो के हम लास्ट में आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, तो क्वेश्चन तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स टू अटेंड अ मीटिंग टू बी अ प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन, यू आर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन स्कूल फॉर एक्सलेंस भोपाल। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एनुअल फंक्शन के लिए आपको यहाँ पर एक नोटिस बनाना है, ठीक है। और इसका अथवा था तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, और इन सभी के जो आंसर हैं वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। उससे पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अथवा वाला दिया गया है, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए छः से पे आपका क्वेश्चन चौथा आता है, तो इसमें आप यहाँ पर राइट आ लेटर टू द ठीक है सुपर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अबाउट द नॉइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। इसमें आपको लाउड स्पीकर पर लेटर लिखना है ठीक है पुलिस को, और इसका अथवा आता है तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जो इन सभी के आंसर है वो आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे, वीडियो के लास्ट में हम सभी आंसर आपको बता देंगे। क्वेश्चन पाँच आता है तो क्वेश्चन पाँच आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, क्वेश्चन पाँच भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपको सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले आती है द ट्रेन लेफ्ट हाल पर डॉट डॉट हावर अगो, तो इसका आंसर आपका एन हो जाएगा ठीक है। फिर आपका दूसरा था आई हैव नो डॉट डॉट मनी, तो इसका आंसर आपका रहेगा एनी एनी मनी ठीक है। फिर आपका तीसरा था द बस डॉट डॉट कम लेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिए द बस डॉट डॉट कम लेट, तो इसका आंसर आपका सम हो जाएगा, सॉरी आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा माई। और फिर आपका आता चौथा ही हैव मी डॉट डॉट मनी, तो इसमें आपका सम करेक्ट आंसर रहेगा। मैं पाँचवा था आ रूम डॉट डॉट मी बाय बार्डन, तो आपका यहाँ पर पाँचवें का करेक्ट आंसर बाज ठीक है, आप यहाँ पर दिख ली बाज अलॉल्टेड हो जाएगा। फिर छः माता ही डोंट डोंट टीचिंग हेयर सेंस 1982, तो आपका छः में का करेक्ट आंसर हैज बीन हो जाएगा। और जो सात माता ही डाइड डोंट डोंट मलेरिया, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आपके फरिंदा बैलेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर डूज डायरेक्टेड आते हैं, तो इनका भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिए गए डू इज डायरेक्टेड, पहला आता है जिसको आपको यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव में इन नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। फिर आपका दूसरा आता है तीसरा चौथा पाँचवा छःवा सातवा, तो जो इनके आंसर है इनके आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे ठीक है। डू इज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इन्हें आपको याद कर लेना अच्छे से तैयार कर लेना है। अब चलिए सेक्शन डी आती है, तो उससे पहले हम सेक्शन डी आपकी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन आठ आता जो कि आपका पैसेज आता है, तो इसे आपका यहाँ पर ध्यान से रीड करना है ठीक है। आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है ध्यान से। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल, तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ग्रीन कॉट ठीक है। फिर आपका दूसरा था डोंट डॉट बार सिटिंग क्वालिटली ऑन द बैक बेंचेस, तो आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा विलेज पेपर ठीक है, विलेज पेपर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था मिस्टर हेमल बाज टीचिंग लैंग्वेज, तो आपका यहाँ पर तीसरे करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंच, फ्रेंच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है बर्लिन हैज ऑर्डर्ड टू टच ओनली लैंग्वेज, तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज बीन, सॉरी चौथे का आपका करेक्ट आंसर जर्मन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा द नॉट डॉट पीपल सिटिंग क्वालिटली लाइक आवर स्लैब्स, तो आपका यहाँ पर पाँचवें का करेक्ट आंसर रहेगा विलेज ठीक है, पाँचवें का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन आठ कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन नाइन आता है जिसमें आपका नौवें का ए आता है जो कि पोयम आती है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना ठीक है पोयम को। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है द नेम ऑफ द पोयम इज, तो पोयम को नाम बताना आपको, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा माय मदर एट 66। फिर आपका दूसरा था बिहार बाद द पोएट ड्राइविंग टू, तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दूसरे का करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पर दिया गया वो रहेगा आपका ठीक है कोचिन, आपका यहाँ पर दूसरे का ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता हु वाज सिटिंग बी साइड हर, तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर मदर हो जाएगा ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा मदर। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है नौवें का बी, तो इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना ठीक है, आपका पैसेज यहाँ पर दिया गया तो ध्यान से रीड कर लेना है। अब पहला क्वेश्चन आता है यू कुड नॉट नॉट योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लैब, तो आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉक ठीक है, लॉक आपका पहले का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता आई डोंट डोंट माइट रन हिम ओवर, तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर बस हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता सो ही बंट इनटू हिज, तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर रूम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा आ डोंट डोंट माइट किक हिम टू डेथ,
तो आपके यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा डंकी। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर नौवीं का बी भी कम्प्लीट हो जाता है। अब आपके क्वेश्चन 10 आता है, जो कि आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपके 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो इनके आंसर है वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे। फिर क्वेश्चन 11 आता है, क्वेश्चन 11 में आपको 3 करने और 4 दिए गए हैं। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12 आता है, इसमें भी आपको कितने करने, आपको इसमें 3 को करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी 2 करने हैं आपको, एनी 2 2 करने हैं क्वेश्चन 12 में, और क्वेश्चन 13 में भी आपको 2 ही करने हैं, और क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना है। ठीक है, और क्वेश्चन 15 में भी आपको 1 करना है। अब चलिए, जो इनके आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, जिस जिस क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं बताए उन क्वेश्चन के आंसर हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन जो 10 दिया गया था जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने थे, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे पांचवें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और आपके 6वें और 7वें क्वेश्चन का आंसर। आप ये क्वेश्चन 10 में 7 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें आपको 5 करने थे, तो हमने 7 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। अब क्वेश्चन 11 देख लीजिए, क्वेश्चन 11 का पहले का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे का और चौथे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिसमें आपको 3 करने थे, क्वेश्चन 12 में आपको 2 करने थे, तो आपके 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और क्वेश्चन 13 का आंसर देख लीजिए, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का और तीसरे का, इसमें भी आपको 2 करने थे। फिर क्वेश्चन 14 में का आंसर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, आपके क्वेश्चन 14 में 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने करा दिए, इसमें से आपको 1 करना था। और क्वेश्चन 15 देख लीजिए, इसमें आपके 2 क्वेश्चन के आंसर, दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हैं, इसमें से आपका 1 करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सोल्यूशन है वो हमने करा दिया है, और हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।